नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। उम्मीद है आप घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। देश में इस वक्त कोरोना वायरस महामारी से उबरने के लिए, इस महासंकट को दूर करने के लिए हर सरकार जो है वो एहतियात कदम उठा रही है, लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप अपने घरों में होंगे और जाहिर सी बात है कुछ कर रहे होंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं लॉकडाउन को, मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए, मन तो अब चिराग पासवान का भी नहीं लग रहा था घर में बैठे बैठे। काफ़ी दिन हो गए हैं, ऐसे में जब 21 दिनों का लॉकडाउन खत्म होने में सिर्फ 2 दिन की अवधि बाकी है और ऐसे में बताया जा रहा है कि इस अवधि को और बढ़ाया जाएगा, 2 हफ्ते तक इस अवधि को और बढ़ाया जाएगा। उस बीच चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे और लोजपा सुप्रीमो, देखिए जरा किस तरीके से अपने पिता रामविलास पासवान की दाढ़ी बना रहे हैं, शेव कर रहे हैं ट्रिमिंग मशीन से, उनका जो बियर्ड है उसे ट्रिम कर रहे हैं, यानी कि दाढ़ी बना रहे हैं घर में बैठे बैठे। काफ़ी दिन हो चुके हैं, मन नहीं लग रहा होगा, ऐसे में इस स्थिति में घर से बाहर निकल भी नहीं सकते हैं। लोगों के बीच में चिराग पासवान लगातार मदद पहुंचा रहे हैं। रामविलास पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी हर तरीके के सिस्टम को देख रहे हैं। कल से यानी कि सोमवार से सभी को अपने मंत्रालय जाना है, सभी केंद्रीय मंत्रियों को अपने मंत्रालय जाना है, इसका निर्देश भी दिया गया है सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बात की थी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, उस वक्त ये मामला सामने निकल के आया था कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाना ज़रूरी है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने इसमें अपनी सहमति भी दी थी। ऐसे वक्त में जब देश में अर्थव्यवस्था को लेकर के सब सोच रहे हैं, हर दिन का जो लॉकडाउन है वो देश की अर्थव्यवस्था और रोज़गार के लिए एक नया संकट पैदा करते जा रहा है, उस संकट को बढ़ाते जा रहा है। ऐसे ही बीच में अब ये खबर निकल के आए कि अब सभी केंद्रीय मंत्री जो है वो अपने मंत्रालय को जाएंगे, अपने ऑफिसेज को जाएंगे। इससे पहले वो अपने सभी घर में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम देख रहे थे। ऐसे में तैयारियां करनी ज़रूरी है। रामविलास पासवान हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे चिराग पासवान उनको पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं ताकि पिताजी कल से जब मंत्रालय को जाए तो काफ़ी ठीक ठाक दिखे। जैसे कि रामविलास पासवान शुरू से ही अच्छे दिखने के वो भी शौकीन रहे हैं और अक्सर फुल शेव नहीं करते हैं, ट्रिम ही करते हैं। उनकी दाढ़ी आपने देखी होगी पहले भी जब रैली में आते हैं, कुछ वैसा ही लुक देने का प्रयास कर रहे हैं। चिराग पासवान ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला है और ये वीडियो काफ़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या फिर फेसबुक के माध्यम से हो, सोशल मीडिया पर काफ़ी ये वीडियो वायरल हो रहा है। चिराग पासवान ट्विटर हैंडल पर उन्होंने क्या कुछ लिखा है आप देखिए। टफ टाइम्स बट सी लॉकडाउन ऑल्सो हैज़ अ ब्राइटर साइड, नेवर न्यू हैड दिस स्किल्स टू। हम इसका हिंदी अनुवाद कर देते हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हाँ ये कठिन समय है, लेकिन इस समय में एक अच्छी बात यह है कि कुछ स्किल्स यानी कि कुछ गुण उनके अंदर हैं जो उन्हें जानकारी नहीं थी, उन अनुभवों को वो आपके साथ साझा कर रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। लेट्स फाइट कोरोना 19 एंड क्रिएट ब्यूटीफुल मेमोरीज टू। हम लोग इस कोविड 19 का जमकर के मुकाबला करें और हम भी यही चाहते हैं। आप अपने अगर घरों में होंगे तो सुरक्षित होंगे। कई जो समाज सेवी हैं वो ज़रूरतमंद लोगों के बीच में खाना बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, कई जो नेता हैं वो तो आर्थिक मदद तक कर रहे हैं, लेकिन सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर आम समाज सेवी हो, उन सभी का ये धर्म था कि इस संकट की घड़ी में अपने समाज में रहने वाले लोगों का ख्याल रखें। इस बीच ये अनोखी तस्वीर निकल के आ रही है जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में काफ़ी ही वायरल हो रहा है। कल से केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अपने मंत्रालय को जाएंगे और उससे पहले उन्हें तैयार कर रहे हैं उनके बेटे चिराग पासवान, लोजपा सुप्रीमो, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट रैली करने वाले थे, लेकिन इस कोरोना वायरस के संकट के चलते उन्होंने अपनी रैली भी टाल दी थी और लोगों को भी यह लगातार सोशल मीडिया के थ्रू संदेश दे रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। हम भी आपसे अपील कर रहे हैं, अफवाहों में बिल्कुल ना पड़े, लाइव स्ट्रीम्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हर खबर सबसे पहले हम आप तक लेके आ रहे हैं। साथ साथ यदि ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।